थैंक यू सर। एक तो मैं जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि ये पहली बार है कि मेरे टीचर सुपरवाइजर गुरु श्री माली जी चेयर कर रहे हैं और मैं बोल रहा हूं। शुक्रिया। बहरहाल मैं रतन हूं, हिंदू कॉलेज में पढ़ाता हूं, तकरीबन 21 साल का एक्सपीरियंस है। और पढ़ाने के अलावा मैं एक विशुद्ध पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूं, और मेरी नज़र में एक टीचर को पॉलिटिकल होना चाहिए, नॉन पॉलिटिकल, न्यूट्रल, अपॉलिटिकल, ये सब बेकार की बातें हैं, वो बेसिकली अपॉर्चुनिज्म की बातें हैं। कि जो लोग कहते हैं कि मैं अपॉलिटिकल हूँ वो कुछ नहीं, अपॉर्चुनिस्ट लोग होते हैं। बहरा मैं तो कुछ एग्जाम्पल्स से भी सब्सिएट करने की कोशिश करूँगा जो मैं कहने जा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि दुनिया भर में एक व्यक्ति इंडिविजुअल मल्टी आइडेंटिटी कैरी करता है, और भारत में ये आइडेंटिटी आइडेंटिटीज कुछ ज़्यादा है, और उसमें से एक जो प्रबल प्रमुख जो डोमिनेंट जो आइडेंटिटी है वह जाति का है। और ये जाति है कि जाति नहीं और न जाए, ये बात हम लोग को समझना चाहिए। एज ए सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हम लोग बार बार बात करते हैं कि एक समान शिक्षा होनी चाहिए। मैं भी इस धारणा में विश्वास करता हूं कि एक समान शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन इस पूरी जो अवधारणा है, जो हाइपोथेसिस है, जो अंडरस्टैंडिंग है एक समान शिक्षा को, उसकी भी समझने की जरूरत है। कि क्या जब ये प्राइवेट स्कूल्स नहीं थे और सरकारी स्कूल थे, या दिल्ली यूनिवर्सिटी है जहां पर एक समान शिक्षा रही, क्या वो स्कूल, वो कॉलेज दलित, ट्राइबल्स, माइनॉरिटीज के लिए एक समान रूप से खुले रहे? ये सवाल हमें पूछना। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, और जिस तरीके से मैं यहां हॉस्टल में रहा, मानसरोवर में रहा, जुबली हॉल में रहा, यहां मैं पढ़ा, रिसर्च किया, पढ़ाया, और मैं व्यक्तिगत अनुभव से भी कह सकता हूं कि एक गैर दलित जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने आता है और एक दलित जो पढ़ने आता है, दोनों के वर्ल्ड व्यू में बहुत अंतर होता है। एक को बना बनाया पूरा कल्चरल कैपिटल मिलता है, उसके भैया होते हैं, मामा होते हैं, हॉस्टल मिलता है, किताबें मिलती हैं, उसको कभी उस तरह का सवाल, मेरिट का सवाल, जो हर दिन उसको एक तरह से टॉर्चर करते रहते हैं जाति के प्रश्न में, वो उसको नहीं झेलना पड़ता है, भले वो गरीब क्यों ना। उसके लिए सारे तमाम मटेरियल, नोट्स, सब कुछ अवेलेबल होते हैं। वही एक अगर दलित या ट्राइबल स्टूडेंट आता है, उसको मल्टीपल इनकाउंटर्स होते हैं इस तरह के प्रॉब्लम से, उन तमाम प्रॉब्लम को झेलते हुए उसको आगे बढ़ना पड़ता है। और शायद इस प्रोसेस में मैं भी उसका सब्जेक्ट रहा हूँ, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं इस तमाम बाधाओं को झेलते हुए और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, झेलते हुए नहीं, अभी भी लगातार वो बदस्तूर जारी है। मैं इसलिए ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं एग्जाम्पल दे के आपको समझाऊंगा तो समझने में सहूलियत। मैं खुद ही एग्जाम्पल कि जो व्यवस्था है यहाँ पे, किस तरह के टीचर, खास तौर से जो अंडर प्रिविलेज, जो दलित, ट्राइबल जो स्टूडेंट आते हैं, जो टीचर हैं, वो किस तरह के लोग पसंद करते हैं, तो उनके नजर में आपको गुड बॉय होना चाहिए, उनके नजर में आपको गुड टीचर होना चाहिए। और मैं क्लास में जब बात करता हूँ तो मैं अक्सर इसी बात से शुरुआत करता हूँ कि आई ऑलवेज हेट गुड बॉयज एंड गुड गर्ल्स, कोट एंड कोट, कि हमें सवाल करने वाले स्टूडेंट क्रिएट करने हैं, जो सवाल नहीं करेगा तो यूनिवर्सिटी होने का मतलब नहीं। जैसा कि जब समान एजुकेशन के समान अवसर की बात जब हम करते हैं, मैं 21 साल पढ़ा चुका, मेरी 7 किताबें हैं, 1 दर्जन से ज्यादा आर्टिकल प्रतिमान, हंस, बहुवचन तमाम मैगजीन में छपे हुए हैं, 4 एडिटेड किताब है, 3 किताब हमने लिखी है। और मैं जाकर हिंदू कॉलेज में, देखिए, मैंने प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर दिया, तो मेरे 496 पॉइंट में से 401 पॉइंट काट दिए गए। और हमारे यहाँ एक मैडम प्रिंसिपल बनी हुई है, उनकी एक भी किताब नहीं है, स्कूल टेक्स्ट बुक उन्होंने लिखा है 4 ऑथर मिलके 11-12 का, वो वहां बकायदा ऑफिशिटिंग प्रिंसिपल काम कर रही। और ये सवाल मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, डूटा, ECSE मेंबर्स, तमाम ऐसे फोरम पे मैंने उठाए हैं, लेकिन क्या उस पर कोई चर्चा आपने सुनी है? क्यों नहीं सुनी है चर्चा? चलिए हम मान के चलते हैं कि यहाँ राइट विंग है, तमाम मैंने अभी
त्रिमूर्ति फेलोशिप की अगर अप्लाई किया था, मैंने प्रोजेक्ट को एंटरटेन ही नहीं किया, क्या इनकी सामाजिक समीक्षा नहीं बनती? फॉरगेट अबाउट दिस राइट विंगर इंस्टीट्यूशन, मैं बात कर रहा हूं सीएसडीएस, यहां पे लिबरल लेफ्ट तमाम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। मैडम आप अक्सर वहां रहती है, मैं भी उधर रहता हूं प्रोग्राम में, वहां अभी एडवर्टीजमेंट आया प्रोफेसर के लिए, शायद 3 या 4 पोस्ट थे, 1 पोस्ट वॉज रिजर्व, और वहां के चेयरमैन दीपक नैयर साहब, जहां तक मुझे जानकारी है सिलेक्शन कमेटी हुई है, जनरल प्रोफेसर अपॉइंट कर लिए गए, लेकिन मुझे नहीं, इसलिए नहीं बुलाया गया कि एक एप्लीकेशन मेरा था और एक पोस्ट था। क्या आपको यह कानून परमिट करता है कि आप मेरा इंटरव्यू नहीं करेंगे? ये क्या है? मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप जाके दीपक नैयर से, आप प्रोफेसर से आप मेरी सिफारिश करिए, आई डोंट वांट दैट, बट जस्ट आई एम हाईलाइटिंग द माइंडसेट प्रिसाइसली। मैंने इसलिए कहा है जाति है कि जाति नहीं, किसी के जनेऊ शर्ट के नीचे छुपे रहते हैं, किसी के गंजी के अंदर, बनियान के अंदर रहते हैं, किसी के माथे के अंदर, सारा मेरिट का सर्टिफिकेट हमें ही देना है, सारा क्वालिटी मुझे ही देना है, आपसे सवाल नहीं पूछा जाए। ये सवाल इसलिए मैंने उठाया कि जिस तरीके के इंस्टीट्यूशन है, ये लड़ाई हेजेमनी की लड़ाई है, ये यूनिवर्सिटी आखिर ये बॉइलिंग पॉइंट क्यों बना हुआ है कि जैसे मेरे से पहले सुहासिनी ने कहा कि एक तरह से ऑन दी वन हैंड देयर इज ए डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ये सवाल आपके पेट में जो दर्द है, जो मरोड़ है, वो इसीलिए है कि दलित ट्राइबल्स आ रहे हैं, वो अंबेडकर भी पढ़ रहे हैं, फूले भी पढ़ रहे हैं, कार्ल मार्क्स भी पढ़ रहे हैं, लेनिन भी पढ़ रहे हैं, और आपके इंटेलेक्चुअल हेजेमनी को क्वेश्चन कर रहे हैं। इसलिए ये दर्द जो है कहीं उभार रोहित बमुला के इसमें दिखता है, सो कॉल्ड जो कथित आत्महत्या में दिखता है, ये सुनील कुमार सुमन इधर बैठे हुए हैं, इनको टर्मिनेट कर दिया गया, मैं इधर हूं, फर्जी 2 बार महिला उत्पीड़न का केस लगाया गया हमारे जैसे लोगों पर, लेकिन तमाम यहां के और भी जितने डेमोक्रेटिक लिबरल और प्रोग्रेसिव कहे जाने वाले लोग कई बार शांत रहते, इस सवाल को उठाते थे, मुझे कहा गया कॉम्प्रोमाइज करो, लेकिन नो नॉट एट ऑल, मैं तिहाड़ जेल जाना चाहता हूं, लेकिन मैं लड़ूंगा। ये सवाल है कि डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, वैसे लोग आए हैं कि जो आपके हेजमनी को क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम वहीं से हो रही है, प्रिसाइसली दैट इज व्हाई यहां पर सारे इंस्टीट्यूशन का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जियो यूनिवर्सिटी खुल रहा है, और यकीन मानिए तो ये इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, 2-4-5-10 साल में ये दिल्ली यूनिवर्सिटी भी अब खत्म होने की ओर जा रहा है। मैं ये समझता हूं कि ऑल दीज क्वेश्चंस आर पॉलिटिकल क्वेश्चंस, आपको ये पॉलिटिकली समझना है। देखिए 90 लैंडमार्क है, 90 से पहले इस देश के बड़ी जात को और बड़े लोगों को, मैं एकदम क्लियर कट गया, बड़े जात को और बड़े लोगों को अपने बच्चों को टैक्स पेयर के मनी से पढ़ाना था, सरकारी एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया था, सब लोग हमें से ज्यादातर 90% लोग सरकारी स्कूल कॉलेज से पढ़ के आए होंगे। जब से 80 के दशक और 90 के दशक में, और खास तौर से मंडल कमीशन आने के बाद, जब दलित में, वंचित में, ट्राइबल में, बैकवर्ड्स में ये चेतना का उभार हुआ कि हमें स्कूल जाना है और पढ़ना है, वही मास्टर साहब जो हमारे गांव के स्कूल में 10 बजे आते थे और 4 बजे तक क्लास लगती थी और बढ़िया पढ़ाई होती थी, वो स्कूल धीरे धीरे इन लोगों ने वहां से विड्रॉ करना शुरू किया। देखो हत्या की गई है जानबूझकर इस सरकारी संस्थाओं की, तो 4 जनरेशन आपने अपने बच्चों को सरकारी संस्थाओं में फ्री में पढ़ा लिया हमारे पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से, और जब आपके 4 जनरेशन अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड में जाके IIM IIT करके जब आपके पास तो करोड़ रुपए हो गए, तो यू कैन अफोर्ड दी प्राइवेट एजुकेशन, तो आपने धीरे 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 सरकारी स्कूल से अपने आप को विड्रॉ किया और प्लेट पकड़ा दिया और स्लेट छीन लिया, बोला मिड डे मील खाओ। मिड डे मील के नाम पे इस देश में जो धांधली, लूट और ह्यूमिलिएशन हो रहा है, इससे ज्यादा त्रासदी और कुछ नहीं हो सकती है एजुकेशन के नाम पे, नंबर वन। नंबर टू कि जब दलित में आए, पहला जनरेशन जब आया दलित बैकवर्ड, तो बेचारा गरीब आदमी था, हमारे घर में भी मेरे पिता, मेरे दादाजी मजदूर थे कलकत्ता के जूट मिल में, मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी को पढ़ाया, मेरे पिताजी
किसी तरह करके क्लर्कियल जॉब में गए, उन्होंने हम लोग को पढ़ाया, तो तीसरी पीढ़ी में अब चेतना आई कि हायर एजुकेशन में, रिसर्च में जाना है, प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज के फील्ड में जाना है। तो जब चेतना जब आई पढ़ने की, तो आप हालत देख लीजिए क्या हो रहा है यूनिवर्सिटीज का, और तमाम हर जगह सारे सरकारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज, बिहार का मैं रहने वाला हूं, जाकर देख लीजिए बदतर हालत है, कौन सुशासन कुमार कौन एजुकेशन चला रहा है, लैब नहीं है, कुर्सी टेबल नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, टीचर नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां, एवरीथिंग इज फ्लैट। तो जब पढ़ने की बारी आई तो सिस्टमेटिकली, इसलिए कह रहा हूं कि एजुकेशन पे मुस्कुन दुबे कमेटी की रिपोर्ट है और मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन उसके बारे में मुझे आइडिया है, मैंने कहीं सुना है, नीतीश कुमार ने ही बनाया था मुस्कुन दुबे कमेटी, कैसे रिवाइव किया जाए प्राइमरी एजुकेशन को, और बहुत बेहतरीन, मैंने किसी दोस्त को कहा है मुझे उपलब्ध कराएं, बेहतरीन रिकमेंडेशन था, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, उसको नहीं लागू किया, क्योंकि वो लागू होते तो सब गरीब बच्चे, दलित पिछड़े अच्छा एजुकेशन ले। तो तमाम ये सारी संस्थाएं मारे गई। अब चलिए, मर भी रही है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो जब हमारे पढ़ाने की बारी आई, जब लगा कि अब भाई एमफिल पीएचडी 55% हो गया है, पढ़ाने की बारी आई तो रोस्टर का रार मचा हुआ है, 13 पॉइंट बना 200 पॉइंट। तो ये बात समझनी है कि खास तौर से पिछले 4-5 सालों में और 3 दशक में ले रहा हूं, कि पहले तो था कि भाई ब्राह्मणवाद, मनुवाद, सब कॉलेज, इस देश की विडंबना ये थी कि कॉलेज और विश्वविद्यालय जातियों के नाम पर बटे हुए थे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में रहा हूं और कई मेरे साथी यहां पे है जो हॉस्टल में रहे होंगे, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का हॉस्टल भी जातियों के नाम पर बटा हुआ था, कौन से हॉस्टल में कौन जात को मिलेगा, यहां भी होता रहा, उसका रिफ्लेक्शन हमने देखा है। तो जहां पे देश में जातीय वर्चस्व का विश्वविद्यालय केंद्र रहा है, और इस समय हालत यह है कि यह सिर्फ मनुवाद और ब्राह्मणवाद नहीं है, पूंजीवाद के साथ इसका ब्लेंड हो गया है। सो चैलेंजेस इज मच मोर बिगर कि इसलिए जो ये रोस्टर है और तमाम ये सवाल है, सारी पॉलिटिकल पार्टी चुप है, मैं पॉलिटिकल पार्टी का, मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूं, और सारी पॉलिटिकल पार्टी चुप है, और जब तक मुझे लगता है कि वी हैव टू चैलेंजेस बिफोर अस, वन वी हैव टू डिफीट दिस प्रेजेंट रिजीम, नंबर टू कि जिनको भी आप वोट देते कम से कम उनसे सवाल एजुकेशन का जरूर पूछ ले जाए कि आपके मैनिफेस्टो में, आपके एजेंडा में दलित बहुजन, गरीब लोगों के लिए कुछ है या नहीं है। शुक्रिया, थैंक यू।